हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इसमें फर्स्ट जो डिजीज़ कंडीशन या प्रॉब्लम है वो है कंजक्टिवाइटिस। ओके, सो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इट इज़ द रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग द वाइट पार्ट ऑफ आई। ठीक है, तो जो आई का या आँख का जो वाइट पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ठीक है, तो जो स्क्लेरा है इसकी जो आउटर कवरिंग है जिसको क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। तो ये जो आउटर कवरिंग है या जो कंजक्टिवा है इसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कंजक्टिवाइटिस। ओके, ये जो इसमें जो आईलिड्स होती है, ठीक है, जो पलकें होती है पर्सन की आईलिड्स, इनकी जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी इसमें अफेक्टेड होती है। और जैसे कि ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, एक तो इसमें जो आई का जो वाइट पार्ट है ये अफेक्टेड हो रखा है, इसमें रेडनेस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। दूसरा ये जो आईलिड्स है, ठीक है, आईलिड्स की जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट की मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे आपको देख रहे होगे रेड कलर दिख रहा है, तो ये भी इसमें अफेक्टेड होती है। किसमें? कंजक्टिवाइटिस में। ओके, अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है? पिंक आइज, यानी कि पेशेंट की आंखें किस तरह की दिखती है? गुलाबी या लाल आंखें। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो इसमें विजन में कोई अफेक्ट या चेंज नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ जो आई का जो वाइट पार्ट है उसकी कवरिंग को अफेक्ट कर रहा है, ना कि विजन को। ओके, देन इसके बाद अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर इन्फेक्शन बैक्टीरियल की बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो भी इसमें बैक्टीरिया के नाम है ये कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो जो भी ये वायरस है, ठीक है, अगर ये अगर आँख में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वायरल कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट इसके बाद बात करें अगर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है आइज़ में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। अगर किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक मतलब पोलन से, एनिमल डस्ट या ड्रग्स से एलर्जी है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है वो है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। अगर आँख में किसी तरह का केमिकल चला जाए, केमिकल सब्सटेंस चला जाए जो आँख की जो मेम्ब्रेन है उसको इरिटेट करे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करे, तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल कंजक्टिवाइटिस। तो इस तरह केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक हाई हाउस होल्ड क्लीनर्स, जो हाउस में घर में जो क्लीनर्स काम आते हैं घर को साफ करने, अगर वो आँख में चले जाए या धुआं चला जाए, स्मोक या किसी तरह का स्प्रे चला जाए या पोल्यूटेंट्स चले जाए, तो ये क्या करेंगे? कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। ओके, सो ये बात हो गई इसके क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन इट्स कॉजेज। नेक्स्ट इसके बाद बात करें साइनेंस सिम्टम्स की, तो इसमें मेन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस, आँखों में लालपन रहेगा, रेड रहेगी आँखें। दूसरा स्वेलिंग रहेगी आँखों में। तीसरा आँखों में क्या होगा? इचिंग होगी, खुजली होगी। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि जो पर्सन के आँखों में से एक्सेसिव टीयर्स आएंगे, यानी कि बहुत पानी बहेगा आँखों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन फील होगी आँखों में। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? ब्लड विजन, यानी कि थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? फोटोफोबिया, यानी कि अगर आँखों पे पर्सन के तेज लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? वो उससे सहन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है? फोटोफोबिया। तो ये सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें पर्सन पर्सन से हिस्ट्री कलेक्ट करनी है,
फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, पेशेंट की आई एग्जामिन करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे आँखों को, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद डायग्नोसिस क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो पानी या जो टीयर्स आ रहे हैं आंखों से, उसका असेसमेंट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि अगर जो इसका मींस इन्फेक्शन हुआ है उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए, या उसकी कॉज का पता लगाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो कंजक्टिवाइटिस कंडीशन यूजुअली जो 70% केस होते हैं इसमें 2 से 5 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है, 70% केसेस में। बट अगर इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कंजक्टिवाइटिस में, तो उसके 3 मेन गोल्स होते हैं, या 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट वन क्या होता है कि पेशेंट के जो कंफर्ट लेवल है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। कैसे मेंटेन करेंगे पेशेंट का कंफर्ट लेवल, कि जो अपन ने सिम्टम्स बताए कि पेशेंट की आंखों में जलन होगी, खुजली आएगी, ठीक है, तो उसके लिए पेशेंट को क्या बोलना है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी आंखों को धोना है, उनमें आई ड्रॉप्स डालनी है, और अगर आप बाहर जाते हो घर से तो आपको क्या करना है, गॉगल्स पहनने, ठीक है। एक तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आंखों पे रोशनी नहीं पड़ेगी, दूसरा इन्फेक्शन भी स्प्रेड नहीं होगा। ओके, सेकेंड वन क्या गोल रहेगा इसका, टू रिड्यूस चांस ऑफ इन्फेक्शन, तो जितना ज़्यादा हो ना हो सके इन्फेक्शन के चांसेस कम करने। कैसे करने, पेशेंट को बोलना है कि आपको जितना हो अपनी आँखों को टच नहीं करना है, इचिंग हो भी तो भी आपको आँखों को मसलना नहीं है, ठीक है, और टाइम टू टाइम आई ड्रॉप्स डालनी है। ओके, थर्ड वन जो गोल रहेगा वो रहेगा कि पेशेंट से जितना हो सके इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। उसके लिए पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे कि आप अपने घर में अपना सेपरेट टॉवल रखें, ताकि दूसरे उस टॉवल को यूज़ ना कर सके, ठीक है। अगर आप अपनी आईज पे हाथ लगा रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो आपको अपने हाथों को धोना है, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए देंगे एंटीवायरल ड्रग्स, एसाइक्लोविर या ट्राई फ्लोरोडीन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर जो इन्फ्लामेशन है वो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हुआ है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले तो एलर्जन को रिमूव करना है। जैसे आँखों में किसी के कोई एलर्जन एंटर कर दिया, मिट्टी चली गई, तो क्या करना है, आँखों को धोना है, ठीक है, किससे, ठंडे पानी से आँखों को धोना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देनी है। ऐसा क्यों करेंगे कि जो है हिस्टामिन का सीक्रीशन होगा उसको रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि हिस्टामिन बॉडी में एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, डेक्सामिथासोन की आई ड्रॉप्स देनी है दिन में 4 बार। क्यों देनी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करना है। तो डेक्सामिथासोन क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का। नेक्स्ट इसके बाद बात करें केमिकल कंजक्टिवाइटिस की, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि सब अगर किसी पर्सन की आंखों में किसी तरह का केमिकल चला गया है, तो सबसे पहले तो उसकी आंखों को वॉश करना है, धोना है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि जितना ज़्यादा हो सके नुकसान को कम किया जा सके, डैमेज को कम किया जा सके। उसके बाद क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, या अदर कोई इन्फेक्शन के अगेंस्ट ड्रग्स दे सकते हैं, ताकि अगर इन्फेक्शन के चांस है तो उसको कम किया जा सके। ओके, सो आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।